जय श्रीमन्नारायण महाराज जी। जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, मेरा नाम प्रियंका श्रीवास है, मैं ग्राम पारसेंद्री जिला बिलासपुर से हूँ। मेरा आपसे एक सवाल है, जैसे हम सभी देवी देवताओं को भगवान के रूप में मानते हैं, भले ही हमने उनको नहीं देखा है लेकिन हमारे मन में आस्था है, ठीक उसी प्रकार साईं बाबा को बहुत लोग ये मानते हैं कि वो भगवान के रूप में नहीं है, उनको वो सिर्फ एक इंसान के रूप में जन्म लिए थे, मतलब इस धरती पे आए थे, तो क्या ये कितनी सत्य बात है कि वो भगवान है कि एक सामान्य इंसान है? साईं बाबा भगवान नहीं है। कैसे? आपके पिता कितने हैं? एक। दो हो सकते हैं? नहीं। तीन हो सकते हैं? नहीं। फिर आपके पिता दो और तीन नहीं हो सकते, तो भगवान दो और तीन कैसे हो सकते हैं? ईश्वर एक है, जिनका नाम है श्रीमन नारायण, एक भगवान है। बाकी आप संत रूप में किसी को भी पूज सकते हैं, आपकी श्रद्धा है, भगवान के रूप में नहीं। आप मुझे प्यार कर सकते हैं गुरु के रूप में, भाई के रूप में, पिता के रूप में, परंतु एक पतिव्रता नारी किसी पुरुष को अपने पति के रूप में नहीं देख सकती। वो देख सकती है तो पिता, भाई, पुत्र या गुरु, यही है ना? जी महाराज। पति के रूप में तो नहीं देख सकती? नहीं। जैसे एक नारी के लिए पति दो नहीं हो सकते, तो फिर भगवान दो कैसे? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है। और किसी के कह देने से कोई चमत्कार दिखा दिया तो आप भगवान मान लेंगे? नहीं। फिर क्यों किसी के पीछे भगवान बना के किसी को भी आप भगवान की जगह क्यों बिठाते हैं? जी महाराज। अरे भगवान भगवान है, भगवान की जगह कोई नहीं ले सका। तुलसीदास जी हमारे संत हैं, हम तुलसीदास जी को भी क्या मानते हैं? संत, महापुरुष। कबीर दास जी, रैदास जी, रसखान सब, तो साईं बाबा भगवान कैसे हो जाएंगे? हाँ महाराज। जरा तेल का दीपक जला दिया, ये काम तो बंगाल का जादूगर कर देता है, बहुत सारा काम कर देता है। जादूगर तो सिर काट देता है अपना, तो ये जादू है। साईं बाबा जादूगर थे, जादू से वो समाज को प्रबोल अपनी तरफ आकर्षित कर लेते थे। लोग कहते थे भगवान है, नहीं ये अफवाह है, भगवान एक है, केवल श्रीमन नारायण। राधे राधे महाराज। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। जी राधे राधे। मैं आज का कथा सुन के मेरे को आपका एक बात प्रभावित किया महाराज जी, अगर आदमी का चरित्र सही है तो वह दुनिया का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है जी, और आदमी का चरित्र सही नहीं है तो वह सबसे दुनिया का गरीब व्यक्ति। वाह, ये बात आज हमने बोली थी, आपने इसको नोटिस की, अच्छा है। मैं लगातार 5 दिनों से यहाँ आ रहा हूँ महाराज जी, मेरे को आपके दर्शन नहीं हुए थे। मैं वो पीछे में बैठ के आपका कथा सुन रहा था, आपको आज सामने में देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। खुश रहिए। मेरे को आपसे एक सवाल है महाराज जी। बोलिए। मेरे पिताजी का देहांत 10 दिसंबर में हो गया था और घर का मुखिया मैच हो गया हूँ, तो इस स्थिति में मेरे को काम भी करना पड़ता है और पढ़ाई भी चल रही है, तो मेरे को दोनों तरफ ध्यान नहीं जा रहा है, न काम में ध्यान जा रहा है और न पढ़ाई में, मेरी जिंदगी तनावग्रस्त हो गई है। ना ना, तनाव नहीं, आपके भाई हैं? भाई नहीं है सर, मेरे से। घर में कौन है? माता है, कौन है, बहन है? जी महाराज जी। कौन है? माता है और छोटी बहन है। तो दो लोग ही हैं आप, टोटल 3 सदस्य हो ना? हाँ महाराज। तो 3 सदस्यों के पेट भरने के लिए थोड़ा सा कमा लिया करो, बाकी अभी आप पढ़ाई करो, जब पढ़ाई कर पाएंगे तो आप अपना विकास करेंगे, परिवार का, देश का। पढ़ाई के बिना कोई अस्तित्व नहीं है किसी का, शिक्षा के बिना जीवन, बिन शिक्षाहीन आदमी मरे के समान है। जितने शिक्षाहीन लोग हैं सब मुर्दे समझो इनको, शिक्षा के बिना व्यक्ति कैसा है? पशु समान, मुर्दे के समान, पशु समान, कुछ भी कहो ठीक है। इसलिए शिक्षा हमारी जान है, इसलिए शिक्षा जरूरी है। इसलिए आपको पैसा कमाना है, परिवार 3 लोगों का पेट भरने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं, आप 5 घंटे के काम से 3 लोगों का पेट भर सकते हैं, ठीक है। बाकी समय मन पढ़ाई में लगाई, और आपको बहुत आगे जाना है, इतने नहीं, अब डिप्रेशन में नहीं, सोच में नहीं, तनाव में नहीं, कुछ नहीं, भगवान आपके रक्षक हैं और पालनहार भगवान हैं, ये सोच के आप चलते रहिए, भगवान पेट भरेंगे। ना हम किसी के पालनहार हैं, ना आप किसी के, ईश्वर पालनहार, ठीक है, खुश रहिए। वो भैया को माइक दो। राधे राधे, राधे।